अगले पॉइंट पर हम आते हैं ट्रैकिंग पे, हमको मील्स क्या लेना चाहिए, कैसे लेने चाहिए और कितनी बार लेना चाहिए। जो हम ट्रैकिंग एजेंसीज के साथ अगर हम जाते हैं तो ट्रैकिंग एजेंसीज इस बात का पूरा ख्याल रखती हैं कि हमारी बॉडी के जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरे होते रहें, क्योंकि वहाँ हमें जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो ज़्यादा प्रोटीन्स के हैं और ज़्यादा कार्ब्स के हैं, ना कि फैट्स या और दूसरी जो कैलोरी जनरेटिंग चीज़ें हैं उसके। तो हमारे मील्स में वो कस्टमाइज करती हैं वो चीज़ें कि हमें प्रोटीन और कार्ब्स प्रॉपर एक मात्रा में मिलें। अगर हम खुद का कस्टमाइज करके जा रहे हैं तो भी हमें साथ में खाना वो लेना है जो हमारी बॉडी की नीड्स को और जो बॉडी के एक्लिमेटाइजेशन के लिए ज़रूरी है उन चीज़ों को हमारी पूरा करते रहे। इसके लिए क्या ज़रूरी है? सबसे ज़रूरी तो ये है कि हम कोई भी मील स्किप ना करें। हमें अगर मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट लेना है, असल में क्या होता है जब बॉडी एक्लिमेटाइज होती है तो बॉडी का बहुत ज़्यादा फोकस एक्लिमेटाइजेशन पे लगा रहता है, उसका भूख की तरफ ध्यान नहीं जा पाता, खाने को पचाने की तरफ ध्यान ज़्यादा नहीं जा पाता, और हमारा जो एक्सक्रीशन है सुबह हमारे बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा पेट पूरा साफ नहीं आता, पॉटी ढंग से नहीं आती, इन कारण से हमें क्या है भूख थोड़ी सी कम लगने लग जाती है। पहाड़ पे जैसे ही हम चढ़ेंगे हमें लगेगा यार कि थोड़ा सा भूख नहीं लग रही है, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट पे यार थोड़ा सा ही लें पूरी इच्छा नहीं हो रही है, लंच में ठीक है यार ब्रेकफास्ट में थोड़ा सा ले लिया था, नहीं ऐसा हमें नहीं करना है। किसी भी मील को हमें स्किप नहीं करना है, इतना पेट ना भरें कि आपको गले तक आ जाए और उससे नौसिया होने लग जाए, लेकिन स्किप ना करें मील को। जो मील में अगर आपके मान लिया 7-8 चीज़ें हैं मील में, अपनी उन चुनिंदा चीज़ों को लें जिनके बारे में आप जानते हैं कि हमारी बॉडी को नर्चर करेगी, अच्छी तरह से नरिश करेगी, हमें आगे जाने के लिए जो है एनर्जाइज करे रखेगी और उसके साथ ही हमारी बॉडी की जो नीड्स हैं उनको फुलफिल कर देंगी बिना हमें थकाए हुए। अगर हम फैट ज़्यादा लेंगे, मान लिया पूड़ियाँ रख दी नाश्ते में, या भटूरे रख दी आपकी एजेंसी ने, या पकड़ियाँ रख दी तली हुई, आप उनको अवॉइड कर सकते हैं। आप उन चीज़ों को चुनें, चाहे कॉर्नफ्लेक्स है, चाहे बॉर्नविटा मिल्क है, चाहे एग्स हैं, या एग भुर्जी या जो भी इस तरह की चीज़ें हैं जो आपको बिना ज़्यादा फैट दिए आपको एनर्जी ज़्यादा दे रही हैं। तो आप जो अपने मील्स में से उन चीज़ों को पिक कर लें, लेकिन मील को कभी भी स्किप ना करें, मील पूरा लें। रात को अगर आप यूथ हॉस्टल से जाते हैं या इंडिया हाइक से जाते हैं, आपको 6:30-7 बजे अगर आप मान लिया हायर आल्टीट्यूड ट्रैक पे हैं, हायर कैंप पे हैं, तो वहाँ पर आपको जो मील मिलेगा शाम का डिनर वो 6:30 या 7 बजे सर्व कर देंगे, और 7 बजे सर्व करते ही आधे पौने घंटे बाद आपका जो हॉट बॉर्नविटा या हॉट मिल्क आपका लगा देंगे। लेकिन आपको स्किप नहीं करना है, आपको मील ये ध्यान रखते हुए लेना है डिनर कि मुझे आधे घंटे बाद अगर मिल्क बन रहा है उसको भी लेकर सोना है। रात को मिल्क लेना आपके पेट साफ करने में बहुत सहायक सिद्ध होगा, आपको मॉर्निंग में पेट साफ बहुत अच्छे तरह से होगा। आपने मील भी स्किप नहीं किया, फ्लूइड भी इनटेक पूरा किया, और जो हमने ज़रूरत की चीज़ें समझी हमारे बॉडी की समझ से उन्हें ज़्यादा लिया, तो हमें आगे ट्रैक पे बहुत कम प्रॉब्लम आने वाली है हमारी बॉडी की एनर्जी को लेकर। अगले पॉइंट पर आते हैं, हमारा ट्रैकिंग पे पेस क्या होना चाहिए। ये काफ़ी हमारे लोगों के दिल में रहता है कि यार हमारा पेस क्या हो, हम तेज चलें धीरे चलें। ये ऐसा नहीं है कि कई लोग क्या मानते हैं कि मैं दौड़ूंगा सबसे आगे रहूंगा, और उसको फिर एक जो एक मैटर ऑफ प्राइड के रूप में लोगों को बताते हैं कि मैं ग्रुप में सबसे आगे रहा या मैंने ट्रैक सबसे जल्दी कंप्लीट नहीं किया कर लिया है। असल में आप ये सोचें, जो जल्दी कर रहा है ट्रैक की केवल लोगों को बताने के लिए, वो रास्ते का जो जॉय है वो खो रहा है। ट्रैकिंग का हर मोमेंट, हर एक लम्हा, हर एक जगह है आपके लिए कीमत है। जहाँ डेस्टिनेशन पर पहुँच रहे हैं केवल वो डेस्टिनेशन आपके लिए काफ़ी नहीं है, जिस रास्ते से आप निकले हैं उस रास्ते का हर एक मोड़, हर एक जो पत्थर है वो एक अलग ब्यूटी रखता है, हर एक सीन जो है एक अलग ब्यूटी रखता है। जो दौड़ता भागता गया है केवल इसलिए कि मैं जो है सबसे आगे जाकर बताऊंगा कि मैं सबसे पहले आया, उसने इस पूरी जो रास्ते में जो उसका एक अपने आप को सेंस करना था जिस ब्यूटी को, उसने उससे खुद को डिप्राइव कर दिया। इससे अच्छे आप हैं जिसने कंसिस्टेंट पेस रखा, रास्ते में फोटोग्राफी की, हर मोड़ का उसने आनंद लिया, हर ब्यूटी को अपने आप को सेंसेस से अपने को फील किया, कानों से, आंखों से, कानों से चिड़ियों की चहचहाट सुनी, आंखों से एक बड़ा खूबसूरत सा झरना देखा, वहाँ 2 मिनट रुका, उस झरने का पानी पिया,
विजेता वो नहीं आप हैं, क्योंकि आपने ट्रैकिंग की है, उसने रेस की है। तो यहाँ आकर हम देखते हैं कि ट्रैकिंग में जो ज्यादा चीज जरूरी है वो है आपके पेस की कंसिस्टेंसी। उससे ना तो आप ज्यादा थकेंगे, आप ना ज्यादा रुकेंगे, धीरे धीरे चल रहे हैं, अपने पेस से चल रहे हैं, अपना जो शरीर आपका अलाउ कर रहा है उसके हिसाब से चल रहे हैं। तो आप जो आपका कैंप है, नेक्स्ट कैंप जहां आपको रुकना है, अगर आप आधे घंटे बाद भी पहुंचेंगे तो आप अंदर से सैचुरेटेड हैं कि मैंने पूरे रास्ते को एंजॉय किया और मैंने रेक्स में हिस्सा नहीं लिया है। क्योंकि हर किसी का अलग पेस है, हमको किसी से होड़ नहीं करनी है, किसी से रेस नहीं करनी है, किसी से हमको कॉम्पिटिशन नहीं है। हमें केवल उस रास्ते को, उस जो जिस चीज के लिए हम आए हैं सेल्फ जॉय के लिए, हमको उसको जो है अकॉम्प्लिश करना है, हमें अपने पेस पर चलना है। एक बात और है, कभी कभी क्या होता है, सुबह उठते ही हम ब्रेकफास्ट करते ही जैसे हम शुरू करते हैं या डिनर करते ही शुरू करते हैं, डिनर ब्रेक के बाद हम तुरंत से थकने लगते हैं, हमें लगता है अरे क्या हो गया, हमारी बॉडी की एनर्जी कम हो गई या नहीं। क्या है, उस टाइम पे जब आप खाना खाकर निकले हैं या ब्रेकफास्ट करके निकले हैं, आपकी बॉडी का काफी सारा ध्यान उस खाने को पचाने पर भी लग गया है, उसके साथ में एक्यूमलेटाइज कर रही है बॉडी हायर एल्टीट्यूड से, और उसके साथ में आप उसे चढ़ाई के लिए आप इंगेज कर रहे हैं। तो ये तीनों चीजें जब आपके साथ चल रही हैं तो आपका जो खाना खाए हुए पचाने के लिए बॉडी का जो फोकस लग रहा है वो थोड़ा सा उधर जा रहा है। इट विल बी नॉर्मल आफ्टर हाफ एन आवर। जैसे ही आप उसको चलते रहें, कोई बात नहीं, अपने पेस से चलें। खाने के बाद, ब्रेकफास्ट के बाद आपको थोड़ा सा अगर लैग लग रहा है, इट इज क्वाइट नॉर्मल, सबको लगता है, तो हम थोड़ी सी देर बाद उसके लिए नॉर्मल हो जाएंगे।